हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। बुधवार को दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर भेंट की। गडकरी ने दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त होने पर सक्सेना को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व नारायण राणे उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से इस वर्ष चल रहे खासदार क्रीड़ा महोत्सव का समापन 28 मई को होगा। यशवंत स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में प्रख्यात क्रिकेटर तथा 1983 विश्व कप के विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। शाम 5:30 बजे आयोजित इस समारोह में भारतीय संगीत कलाकार अरमान मलिक का लाइव कंसर्ट भी आयोजित किया गया है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार, विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, हुंडई मोटर के कार्यकारी निदेशक डीएस किम के साथ जेसीबी इंडिया लिमिटेड के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट जसमित सिंह भी मौजूद होंगे। दर्शकों को समारोह स्थल में जाने के लिए पास की आवश्यकता होगी। पास प्राप्त करने के लिए यशवंत स्टेडियम, माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान कार्यालय, रेशमबाग, गिरनार बैंक, सुभाष पुतला, लकड़गंज, ग्लोबल स्क्वायर मॉल, अभ्यंकर नगर, इंडोर स्टेडियम, विवेकानंद नगर, रामजीवन चौधरी क्रीडा संकुल, रामकुलर चौक, रेमंड शॉप, सक्करदरा चौक पर 25 मई से शनिवार 28 मई तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क करने का आह्वान खासदार क्रीडा महोत्सव समिति के संयोजक एवं शहर के पूर्व महापौर संदीप जोशी ने किया है। हजरत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की शाही 26 या 28 मई को शाम 7:30 बजे मनाई जाएगी। सचदान शिंद हाउस की ओर से हज्जन सैयदा रुबीना नाज ताजी ने बताया कि सरकार ताजुल औलिया के पड़पोते हजरत बाबा यूसुफ इकबाल ताजी की प्रमुख उपस्थिति में सचदान शिंद हाउस में मिलाद शरीफ, फातिहा, खानी, हल्का जिक्र और तालीमात के प्रोग्राम होंगे। इन कार्यक्रमों में सजदान शिंद सैयद जरबीर ताजी, सैयद तालेर ताजी उपस्थित रहेंगे। फातिहा के बाद लंगर आम होगा। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो के नागपुर चैप्टर ने जीतो बिजनेस नेटवर्क की परियोजना के तहत जीतो बिजनेस मीट का आयोजन किया था, जिसका आयोजन जीतो युवा विंग द्वारा 21 मई 2022 को होटल द्वारका मई में किया गया था। जीतो नागपुर युवा विंग के सदस्यों ने इस बैठक में बड़ी संख्या में भाग लिया, जिन्होंने व्यवसाय के बारे में बात की, अपने नए विचारों को रखा कि कैसे वो उचित धन और योजना के साथ अपने व्यवसाय को निष्पादित कर सकते हैं और चला सकते हैं। बैठक में कुछ अनुभव वाले लोग भी हैं, जिन्होंने व्यवसाय और पेशे के बारे में विस्तार से साझा किया और बताया कि कैसे सदस्य अपने व्यवसाय को बढ़ाने के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जीतो यूथ विंग के चेयरमैन दिविंग कोठारी, सचिव धवल कोचर, जेबीएन के बैठक संयोजक एवं यूथ विंग के सदस्य पीयूष कटारिया, अर्पित आबाद, रोहित गड़िया, अक्षय गुंडेचा और जीतो यूथ विंग के सदस्य की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। जीतो नागपुर के अध्यक्ष उज्जवल पगारिया और जेबीएन जीतो नागपुर के संयोजक कैलाश गोलेच्छा द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन दिया गया। तेज हवाओं के कारण शहर में महावितरण के बिजली खंभे व तारों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस स्थिति में भी महावितरण के कर्मचारियों ने अपने सभी ग्राहकों को बिजली आपूर्ति बहाल करने की प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए टॉर्च की रोशनी में भी मरम्मत का कार्य शुरू किया था, जिसके चलते ग्राहकों को कुछ समय परेशानी के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। इस क्षेत्र में वैकल्पिक प्रणाली से बिजली की आपूर्ति शुरू की जा रही थी। MSEDCL के क्षेत्रीय निदेशक सुहास रंगारी और नागपुर सर्कल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के ने मरम्मत स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत बिजली आपूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए। सिंधी सोशल फोरम के अध्यक्ष मोहन मंजानी ने बताया कि मुंबई की प्रसिद्ध संस्था सिंधु सखा संगम द्वारा सिंधी नाटक याद कंदा का मंचन रविवार 5 जून को शाम 7 बजे वसंतराव देशपांडे हॉल में किया जाएगा। ये नाटक बहुत ही मनोरंजक है। हास्य द्वारा 3 पीढ़ियों के लिए संदेश प्रस्तुत किया गया है। सिंधी सोशल फोरम के कल्चरल कमेटी के संयोजक अशोक जेसवानी ने जानकारी दी कि सिंधी नाटक याद कंदा के सिंधीकार प्रोफेसर राम पंजवानी व हिदायतकर SP मेघाणी हैं। सिंधी सोशल फोरम के महासचिव अशोक माखीजानी ने सभी समाज बंधुओं से अपील की है कि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसमें सिंध के अमर शहीद हेमू कालानी की जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। संस्कृत भारती विदर्भ की ओर से शनिवार 28 मई को भाषा बोधन प्रशिक्षण का उद्घाटन उजम बावड़ी अंबापेठ अमरावती में रात को 10:30 बजे सम्पन्न होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृत भारती विदर्भ के अध्यक्ष रमेश मंत्री करेंगे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वीरेंद्र फूड्स प्राइवेट लिमिटेड अमरावती के व्यवस्थापक प्रोफेसर सुरेश सिंह ठाकुर विचार रखेंगे। कार्यक्रम के निमंत्रक संस्कृत भारती विदर्भ के प्रांत मंत्री के डॉक्टर भरत कुमार पंडा होंगे।
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने बुधवार को दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 15,000 रूपए का जुर्माना वसूला। मनपायुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में गांधीबाग जोन के उपद्रव खोजी दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की। गांधीबाग जोन के अंतर्गत शुक्रवार तालाब के निकट वीके प्लास्टिक दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और उनसे 5,000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह मंगलवारी जोन के अंतर्गत संत गाड़गे बाबा सोसायटी मानकापुर में अमीन एंड मर्चेंट कंस्ट्रक्शन के खिलाफ निर्माण कार्य का मलबा सड़क के किनारे रखने पर कार्रवाई की गई और 10,000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई एनडीएस प्रमुख विरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई। राष्ट्रपुरुष क्षत्रिय शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह की जयंती के अवसर पर मनपा मुख्यालय के पुराने इमारत में महाराणा प्रताप सिंह की तस्वीर पर मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी ने पुष्पहार अर्पण कर मनपा की ओर से उनका विनम्र अभिवादन किया। इस अवसर पर उपायुक्त महेश धामेचा, जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी आदि मनपा अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका ही उपलब्ध होगा। टीका सुबह दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। 6 बटालियन मराठा रेजिमेंट में सेवाएं दे चुके पूर्व सैनिक मंगेश कृष्णा उरकुड़े नागपुर महानगर पालिका के हनुमान नगर जोन के एनडीएस दस्ते में कार्यरत थे। मंगलवार को उरकुड़े अपनी ड्यूटी शाम 4 बजे पूर्ण करके अपने वाठोड़ा स्थित निवास स्थान गए। घर में बिजली नहीं थी तो वे घर के छत पर गए। उनके घर पर सोलर उपकरण भी लगा था। अचानक तेज हवा और बारिश शुरू हो गई और बिजली आ गिरी। उन्हें काफी ज्यादा करंट लगा और वे घटनास्थल पर ही मारे गए। बाद में उन्हें मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया और उनके मृत शरीर को शव गृह में रखा गया। बुधवार 25 मई 2022 को पोस्टमार्टम प्रक्रिया के पश्चात दोपहर 1:30 बजे शव उनके निवास स्थान पर ले जाया गया। दोपहर 3 बजे उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान वाठोड़ा से दिगोरी दहन घाट की ओर निकली, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में उनके परिजन एवं बड़ी संख्या में सेना के कर्मचारी, कई एक्स सर्विसमैन, एनडीएस दस्ते के प्रमुख वीरसेन तांबे तथा सभी जोन के एनडीएस प्रमुख तथा एनडीएस के जवान उपस्थित थे। नागपुर सुधर प्रन्यास में बुधवार को मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने वाले इतिहास के महान राजा एवं योद्धा मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी के हाथों महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके पश्चात सभी उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण के अपर आयुक्त अविनाश कातड़े, नागपुर सुधार प्रन्यास के उपसंचालक नगर रचना विभाग लांडे, नागपुर सुधार प्रन्यास के कार्यकारी अधिकारी अनिल राठौड़, कार्यकारी अभियंता मेघराजानी, सहायक अभियंता झाड़े सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे। छात्र देश में करियर बनाए और अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए करे, यह आह्वान उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यह किया। वे महाकवि सुरेश भट्ट सभागृह में राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के 190वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ सुभाष चौधरी, प्रकुलगुरु डॉ संजय दुधे, कुलसचिव डॉ राजू हिवसे, विद्यापीठ के परीक्षा व मूल्यांकन मंडल के संचालक डॉ. प्रफुल्ल साबले मौजूद थे। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग कर विकास के अवसर देश में निर्माण किए जा रहे हैं। युवाओं को यह सोचना चाहिए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके ज्ञान और अनुभव से उनके देशवासियों को कैसे लाभ पहुँचाया जा सकता है, साथ ही देश में नवाचार के माध्यम से अपना करियर का निर्माण कैसे हो, इस पर भी विचार करें। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति भगत सिंह कोश्यारी का वीडियो शुभकामना संदेश दिखाया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्रों को बधाई दी। अमृत महोत्सव के साथ विश्वविद्यालय ने 99 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न उपक्रमों का स्वागत किया। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन अब लोगों के पास मौजूद गहनों की जानकारी जल्द ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए ट्रांसफर पोर्टल के विस्तार की योजना बनाई गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हॉलमार्क कमेटी के सदस्यों से 30 मई तक सुझाव मांगे हैं।
इधर इस संबंध में नागपुर सोना चांदी ओल कमेटी ने मंत्रालय की इस प्रोसेस को मानसिक प्रताड़ना से जोड़ते हुए पोर्टल पर ग्राहकों के जेवरों की जानकारी उपलब्ध कराने का सख्त विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने पिछले वर्ष हॉलमार्क को अनिवार्य किया था। अब तक 256 जिलों में इसे लागू किया जा चुका है। अब मंत्रालय हॉलमार्क समिति में जोड़े गए सभी सदस्यों को हॉलमार्क यूआईडी ट्रांसफर पोर्टल पर हर जेवर की बिक्री की जानकारी रखने का निर्देश दिया गया है। कारोबारियों के मुताबिक हॉलमार्क अनिवार्य वाले शहरों में भी पिछले एक वर्ष में बिना हॉलमार्क के जेवर भी खूब बेचे गए हैं। इसके चलते ही ट्रांसफर पोर्टल की इस नई व्यवस्था पर विचार हो रहा है। इसमें सभी स्तर पर यह जानकारी दी जाएगी कि किसने किसे जेवर बेचा। निर्माता थोक कारोबारी की जानकारी देगा, थोक कारोबारी फुटकर कारोबारी की जानकारी देगा और फुटकर कारोबारी ग्राहक की जानकारी पोर्टल पर देगा। HUIED नियम के बारे में सोना चांदी ओल कमेटी नागपुर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कावले तथा सचिव राजेश रोकड़े से चर्चा किए जाने पर उन्होंने कहा कि दरअसल ज्वेलर एक व्यापारी है, मुनीम नहीं है। इस प्रोसेस के लिए ज्वेलर्स को अलग से 4 से 5 लोगों की टीम रखनी पड़ेगी। ग्राहकों को उनकी आईडी और सोने की खरीदी से संबंधी जानकारी पूछनी पड़ेगी, जिससे ग्राहकों का भी समय बर्बाद होगा। हम सोने की शुद्धता के लिए कटिबद्ध है। हम पहले से ही हॉलमार्क के गहने बेचते आए हैं। अभी तक ज्वेलर्स के विरुद्ध 1% शिकायतें प्राप्त हुई है। शेष 99% ग्राहक ज्वेलरों और सोने की शुद्धता के मामलों में सभी संतुष्ट है। इसके बावजूद मंत्रालय द्वारा जबरन HUIED का नियम लागू करवाकर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। हमें इस संबंध में मंत्रालय द्वारा मेमोरेंडम भी प्राप्त हुआ है। वे 1 जून से यह प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, किंतु यह प्रक्रिया ग्राहकों की प्राइवेसी के लिए उचित नहीं है। सचिव राजेश रोकड़े ने कहा कि शुद्ध सोना तो ज्वेलरों के पास वैसे भी मिलता है। एक सोना इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसमें सोने की कैरेट के पैमाने पर शुद्धता के बारे में ग्राहकों को जानकारी दी जाती है। हाल ही में सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को आंशिक रूप से कम किया गया है। तदहेतु विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी वचित्य संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी मंडल ने सरकार का धन्यवाद दिया। NVCC के पदाधिकारियों की सभा आयोजित की गई। सभा में चर्चा करते हुए चेंबर के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2022 से लगातार बढ़ती हुई पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण आम जनता का बजट बिगड़ रहा था। साथ ही डीजल के दामों में वृद्धि होने के कारण माल परिवहन की लागत भी बढ़ती जा रही है, जिससे वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से महंगाई भी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को कम कर आम जनता को आंशिक राहत प्रदान की है। तदहेतु चेंबर सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता है एवं सरकार से आग्रह करता है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में और रियायत देकर आम जनता को राहत प्रदान करना चाहिए। इस अवसर पर सभा में चेंबर के सर्वश्री उपाध्यक्ष अर्जुनदास आहूजा, फारूक अकबानी, स्वप्निल अहिरकर, सचिव राम अवतार तोतला, सहसचिव शब्बीर शाकिर, राजवंत पाल सिंह तुली, दीपक अग्रवाल एवं जनसंपर्क अधिकारी हेमंत सारडा उपस्थित थे। मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल नागपुर के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व मध्य रेल के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों की अगुवाई में टिकट निरीक्षकों एवं वाणिज्य निरीक्षकों के सहयोग से मंडल के विभिन्न खंड से गुजरने वाली गाड़ियों तथा प्रमुख रेलवे स्टेशनों में 1 से 20 तक चलाए गए विभिन्न विशेष टिकट जाँच अभियानों के अंतर्गत बिना टिकट अनियमित यात्रा तथा बिना माल बुक किए गए लगेज के 53,551 मामले दर्ज कर कुल 2,75,65,000 रुपये वसूले गए। इसके अतिरिक्त कूड़ा कचरा फेंकने के 35 मामलों में कार्रवाई की गई और दोषियों से 4,600 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। वहीं धूम्रपान के 23 मामलों में 4,600 रुपये वसूले गए। मंडल द्वारा अनियमित और बिना टिकट यात्रियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नियमित रूप से स्टेशनों एवं यात्री गाड़ियों विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अतः यात्रियों से निवेदन है कि वे यात्रा के दौरान उचित यात्रा टिकट लेकर ही यात्रा करें, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल ने सभी यात्रियों व आगंतुकों से स्टेशन परिसर एवं डिब्बों को स्वच्छ रखने, कूड़ा कचरा निर्धारित कूड़ादान में ही डालने तथा रेल नियमों का पालन करने की अपील की है। महमूदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी लोनारा में राज्य मंत्री उदय सामंत के हाथों मुख्यमंत्री आरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट कोर्स के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिस अहमद, डॉक्टर रवि कलसाईत, मदन कुमार कड़वे, डॉक्टर स्वाति राउत, डॉक्टर सीमा चिखले, प्राचार्य डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, जरीना सलीम, डॉक्टर शबाना अंजुम, स्वाति बोधनकर, राहिला अंजुम, मसर्रत अली, लोकेश महाजन तथा छात्र उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री उदय सामंत ने देश में छात्रों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने महमूदा शिक्षण संस्था के सर्वेसर्वा डॉक्टर अनिस अहमद को महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए बधाई दी तथा छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अनिस अहमद ने छात्र समुदाय को अत्यंत समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संस्था में चलने वाले कौशल विकास प्रशिक्षण कोर्स के बारे में बताया। मंगलवार को भारी बारिश के कारण नागपुर शहर के 70 से अधिक स्थानों में पेड़ और पेड़ों की शाखाएं सड़कों, गाड़ियों एवं विद्युत उपकरणों पर गिर गई। नागरिकों की दुर्दशा के मद्देनजर नागपुर महानगर पालिका के दमकल विभाग और उद्यान विभाग की टीम ने तत्काल सभी इलाकों में राहत कार्य शुरू कर दिया। काम दिन रात शुरू रहा और बुधवार सुबह तक कई स्थानों से गिरे हुए पेड़ हटा लिए गए। दोनों विभागों के समन्वित कार्य से इस विपरीत स्थिति पर काबू पाया गया। बारिश के मौसम में किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए नागपुर महानगर पालिका प्रशासन तैयार है और नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में सहयोग के लिए नागरिक नागपुर महानगर पालिका प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं और उनके परिसर में स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। इस आशय का आह्वान मनपा और प्रशासक राधाकृष्णन बी ने किया। जीपीओ चौक में पूर्व मंत्री रंजीत देशमुख के बंगले के सामने भी एक पेड़ की बड़ी टहनी गिरी। इस शाखा को हटाकर नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए दमकल विभाग और उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने बुधवार सुबह तक राहत कार्य किया। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2644 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,08,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 9 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 9,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 64,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।